नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और इस चैनल आचार्यवाणी में आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से हम लगातार आपके साथ जुड़े रहते हैं। और आज जो विषय है मिथुन, विशेष तौर पर कन्या राशि वालों के लिए, बुध प्रधान कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार से बनने वाला है। कन्या राशि वालों के स्वामी होते हैं बुध, और बुध इन दिनों लगातार चल रहे हैं अस्त, और सूर्य के साथ परिवर्तन का योग बन रहा है, त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। सूर्य बुध शुक्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे और त्रिग्रही योग का निर्माण करेंगे। कहा जाता है, पुरानी कहावत शायद आपने भी सुनी होगी, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तीन ग्रहों में विचित्र परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति वाले लोग, स्वभाव वाले ग्रह जो है वो एक साथ ग्रह योग बना रहे हैं। सूर्य देवताओं में ग्रहों के राजा, शुक्र वहाँ देवता, शुक्र जो हैं वो विशेष तौर पर दैत्य गुरु हैं, और ऐसे में वो स्थिति एक साथ उपस्थित होकर भेद उत्पन्न कर सकते हैं। तो कन्या राशि वालों को समझ लेना चाहिए दशम भाव और राज्य भाव में ये खेल होने वाला है। भाग्य से निकलकर सूर्य आपके बृहस्पति के साथ विराजमान थे, बृहस्पति भाग्य जगाने के लिए पूरे तैयार बैठे हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पर थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, कमज़ोर कर रहे हैं बुध को, और बुध भी स्वग्रही होकर निर्माण कर रहे हैं। बनती बराई बात पर कहीं ना कहीं कहीं कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में इनको ठीक करने की ज़रूरत है। देशकाल परिस्थिति समझें, राज्य भाव सफलता वाला भाव, कार्य को पूर्ण करने वाला भाव, दशम भाव, वहाँ आपकी राशि के स्वामी बुध अस्त होकर पहुँच रहे हैं, शुक्र वहाँ विराजमान होने जा रहे हैं वो भी अस्त हैं, सूर्य वहाँ जा रहे हैं, तो ये त्रिग्रही का योग जो निर्माण हो रहा है, विपरीत स्वभाव वाले ग्रह वहाँ एकत्र हो रहे हैं, ये सफलता में कहीं बाधा ना उत्पन्न कर दें। कैसे इनको ठीक करना है ये आपको समझने की ज़रूरत है। सिद्धांतिक तौर पर समझ लीजिएगा क्या क्या, कब कब क्या क्या परिवर्तन का योग बनेगा। 11 जून को भाई बात करें, मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि जेठ के महीने की शुक्ल पक्ष की, और उस दिन बुढ़वा मंगल का योग और सिंह राशि में चंद्रमा का पदार्पण होगा रात्रि में, लेकिन दिन में रहेंगे चंद्रमा विशेष तौर पर कर्क राशि में। यह आपके लिए बुध अच्छा है, लाभ के योग हैं, प्रशस्त हैं, सुंदर है, परिवर्तन है, आगे बढ़ने का योग बन रहा है, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान है, जो लोग जातक जन्म लेंगे उनके लिए थोड़ा कष्टमय है, तो ऐसे में ध्यान रखें। मंगल इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में चल रहे हैं, और अष्टम का भाव जो मंगल होता है वो एकाकी भाव करता है, लोगों से बनने नहीं देता, और शनि महाराज अननेसेसरी के लोग शत्रु बना रहे हैं आपके लिए इस वक्त, और शनि को इस वक्त अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। शनि अभी एक साल यहाँ रहने वाले हैं, और बुढ़वा मंगल का अंतिम, तीसरा बुढ़वा मंगल पड़ रहा है इस दिन, इसलिए देव कृपा से इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन करें। हनुमान जी का आशीर्वाद है विशेष तौर पर, शनि को आशीर्वाद दिया था शनि ने विशेष तौर पर हनुमान जी को, कि जो आपकी पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा, जो आपका भक्त रहेगा, मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। तो बुढ़वा मंगल पर विशेष तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में ये दिव्य उपाय रखा है, हमारे सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, जिनको पहली सिद्धि हनुमान जी के ही से ही, हनुमान चालीसा के मंत्र से ही सिद्ध हुई थी, उनके द्वारा प्रतिष्ठित हनुमान जी की सुंदर मूर्ति पर हम लोग ये सब कार्य करेंगे। तो आप भी वहाँ सम्मिलित हो सकते हैं बुढ़वा मंगल पर, सुंदरकांड में पाठ करने के लिए साधन उपस्थित है, सुंदरकांड का पाठ करने के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, सवा मनी का भोग रहेगा। ये कार्यक्रम 5 बजे से आरंभ होगा शाम को, मंगलवार के दिन 11 तारीख को, रात्रि तक चलेगा। आनंद भाव से आप देव स्थल पर आकर यज्ञ भी कर सकते हैं, भगवान का सुंदर पाठ भी कर सकते हैं, अपने नाम से सुंदर व्यवस्था करा सकते हैं, इसका लाभ लीजिएगा अवश्य। 12 तारीख के दिन बात करें तो बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि, इस दिन मघा नक्षत्र विद्यमान है। पहले अश्लेषा था, इस दिन एक यानी 11 तारीख को अश्लेषा और इस दिन मघा, ये मूल के अंतर्गत आते हैं दोनों नक्षत्र, और इन नक्षत्रों में जिन जातकों का जन्म होता है वो व्यक्ति अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत भारी होते हैं। और ज्योतिषविदों ने इस संबंध में प्राचीन काल में ही व्यवस्था बना दी थी कि जातक के जन्म होते ही मूल शांति उसके माता पिता को करा लेनी चाहिए, और ऐसा देखा जाता था कि जो लोग मूल शांति करा लेते थे उनके जीवन के कष्ट दूर हो जाते थे, नहीं तो अन्य से जितने बड़े राजयोग होते हुए भी ये मूल नक्षत्र जो है, जन्म जातक व्यक्ति जो गणमूल नक्षत्र के अंदर जातक होता है, वो फिर जीवन में ठोकरें खाने का प्रयास होता है। ये छोटा सा उपाय टोटका है, शुरू में करा लें तो ठीक हो जाएगा। तो अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए जातक जन्म ले रहा है, और जिनकी नहीं हुई है वो बाद में भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है, हर 27 दिन बाद ये नक्षत्र घूम के आते हैं, तो अवश्य ध्यान रखते हुए उसी दिन से आरंभ कर जिस दिन ये नक्षत्र है उस दिन के 27 दिन बाद दोबारा आएगा, तब तक करा लीजिए, ठीक हो जाएगा। बात कर रहे हैं 12 तारीख की, तो उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। मिथुन राशि में आपकी अपनी विशेष तौर पर बुध की राशि में शुक्र का प्रवेश हो रहा है, दशम भाव में शुक्र का प्रवेश, ये विशेष तौर पर बड़ा सुंदर योग होता है, और लाभ के योग प्रशस्त करता है, आनंद, सांसारिक आनंद को प्राप्त कराने के योग देता है, पद प्राप्ति के योग देता है, धन को प्राप्ति के योग देता है, लेकिन शुक्र यहाँ पे अस्त है, इसलिए शुक्र को ताकत देने की जरूरत पड़ेगी।
और अभी 20-21 दिन यहाँ पे शुक्र सुंदर योग बनाएंगे, लेकिन अस्त स्थिति में होने के कारण से कष्ट है तो उसको ठीक करने के लिए गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। जितना गौ सेवा करेंगे उतना अच्छा रहेगा, शुक्र को ताकत प्राप्त होगी और सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बनेगा। 13 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार का दिन, सप्तमी तिथि है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय है आपके लिए विशेष तौर पर ग्रह दृष्टिकोण से थोड़ा नुकसान का। अननेसेसरी एंजाइटी बढ़ती दिखाई देगी, खर्चे बढ़ते दिखाई देंगे, थोड़ा सा महत्वाकांक्षा ओवर एम्बिशियस होकर काम करना नुकसान दे सकता है, शांति होकर काम करने का प्रयास करें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो बुद्धिमान व्यक्तियों का साथ देते हुए कार्य करने का प्रयास करें। परिवर्तन की तरफ ग्रह जा रहे हैं और बहुत सुंदर ग्रहों का निर्माण आगे आने वाले समय में आपके लिए होने वाला है। पीली चीज़ों का दान करना, ब्राह्मणों की सेवा करना ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 14 तारीख का अवसर, शुक्रवार की तिथि, अष्टमी तिथि है, कन्या में आ गए हैं चंद्रमा, सुबह 11 बजे के आसपास ये गजकेसरी योग का निर्माण बृहस्पति से शुभ रूप से दृष्ट होकर बिना किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि में प्राप्त होते हैं। धर्म भाव में बैठे हुए बृहस्पति आपके लिए वारे न्यारे कराने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और रात्रि में विशेष तौर पर परिवर्तन करेंगे 11 बजे के करीब करीब 12:30 बजे के आसपास। बुध परिवर्तन करेंगे 11:30 बजे के आसपास। ये सब के सब एकत्र हो जाएंगे, त्रिग्रही योग बना निर्माण कर देंगे आपके दशम भाव में। तो ऐसे में बुध अस्त हैं और बुध यदि उदय शक्ति संपन्न हो जाए तो ये आपके लिए मैनेजिंग चीज़ों को, जो फंसी हुई चीज़ों को निकालने में बहुत सुंदर योग बना सकते हैं। तो बुध का उपाय लगातार कन्या राशि वालों विशेष तौर पर करने का प्रयास कीजिएगा। जो नई शक्ति आपके अंदर आ रही है वो उसको निर्माण करते हुए इसको ऑर्गेनाइज करने में जो दिक्कत आ रही है उनको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में मुख से कोई अपशब्द ना निकले, बहनों की सेवा हो, गाय को सेवा करें, बुद्ध के निमित्त हरे वस्त्र का दान करें, छोटी कन्याओं की सेवा करें, ये सब उपाय करने का प्रयास कीजिए। लाइन है उपायों की, इन सबको कर कर बुद्ध की जितनी शक्ति रहेगी ये आने वाले एक महीने में उतने वारे न्यारे करने के योग बना सकते हैं, पद प्राप्त कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट चेंजेस ला सकते हैं, सांसारिक सुख को प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। ये त्रिग्रही योग यदि आपने ये सब कर लिया तो सुंदर तरीके से त्रिग्रह पॉजिटिव हो जाएगा, और नहीं तो सूर्य और शुक्र के चक्कर में फंस गए तो विरोधाभासी प्रवृत्ति को उत्पन्न कर लेंगे। तो इससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें, सही विवेचना करने का प्रयास करें। बुद्ध जागेगा, बुद्धि के स्वामी बुद्ध जो है अस्त हैं और ये जो उपाय बताए हैं वो ठीक कर देंगे उनको। प्रदोष इस दिन विशेष तौर पर ध्यान रखें, संक्रांति है, संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा क्योंकि सूर्य परिवर्तन होने का योग जो बन रहा है वो 12:30 बजे रात को बन रहा है, तो अगले दिन पुण्य रहेगा। 15 तारीख को शनिवार है और उस दिन संक्रांति का पुण्य रहेगा। महेश नवमी का अवसर है, ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुभ निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में लाभ के योग प्रशस्त हैं, बस थोड़ा ध्यान रखना है संक्रांति के पुण्य के निमित्त शनि को और प्रसन्न कर लीजिए आप। शनि महाराज इन दिनों विशेष तौर पर आपकी थोड़ी विपत्ति को बढ़ा रहे हैं, विपत्ति को काले श्वान की सेवा करने का प्रयास कीजिए। नित्य प्रति एक ग्रास अवश्य डाल दीजिए, पहला खाने का ग्रास निकाल के कौवे को डाल दीजिए, ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। शनि अनुकूल हो जाएंगे आपके लिए, ध्यान रखिएगा आने वाले एक साल ये उपाय आपके लिए छोटा सा उपाय करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। ग्रह योग के दृष्टिकोण से संबंधित संक्रांति का पुण्य है तो 2 कुंभ जल भरकर दान करने का प्रयास करें, किसी देवस्थान में घी का दान करने का प्रयास करें, तो ये सब उपाय अवश्य अच्छे रहेंगे। जेठ के महीने में ये संक्रांति जो है संपूर्ण रूप से कल्याण करने वाली रहेगी। पंखे का दान करना, ये सब चीज़ें उपाय करना बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। 16 तारीख शनिवार रविवार का अवसर, दशमी तिथि, गंगा दशहरा और बटुक भैरव जयंती का अवसर है, और बटुक भैरव जयंती तो संपूर्ण रूप से कष्टों को दूर करने वाली है, और इस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से दिखा रहे हैं, बड़े सुंदर योग आपकी राशि के अनुसार से। कार्यों में सफलता होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, देव कृपा से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बड़े लोगों को संपर्क साधने का प्रयास करें, थोड़ा सा अपनी अपनी ना चलाएं। अपनी अपनी चलाने से चीज़ों में परिवर्तन का योग बन सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। गंगा दशहरा है, पुण्यों को जगाने का अवसर है। 16 तारीख को गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा है और साथ साथ इस दिन गंगा जी मैया का अवतरण हुआ। माँ भगे भगवान जो कहा जाता है कि भगीरथ की अथक प्रयासों से जब महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को ऋषि कपिल ने शाप दे दिया और उनके उद्धार का कोई मार्ग बचा ही नहीं था, तब 3 पीढ़ी तक उस कुल में लोगों ने आराधना करी माँ भगवती गंगा की कि माँ गंगा को कैसे इस धरा पर प्रवृत्त लाया जाए। तब भगवान विष्णु के पद से निकली हुई, जब कहा जाता है भगवान वामन का अवतार लिए और पूरी पृथ्वी को जब उन्होंने नापा तो कहा जाता है 3 पगों में नाप लिया, तो जब उनका पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा था तब तो भगवान ने अपने कमंडल से जल लेकर ब्रह्मा जी ने उस जल को एकत्र कर लिया था, और भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा से उपासना प्रसन्न करके उनको साधना करके प्रसन्न कर माँ गंगा को वहाँ से मांगा।
और कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया उनको और भगीरथ के अथक प्रयासों से इस गंगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन ये गंगा वहाँ से निकली और कहाँ वो वहाँ उनको लेकर गंगा सागर पर पहुँचते हैं किस दिन मकर संक्रांति के दिन। यानी इस दिन माँ गंगा का पदार्पण हुआ और 6 महीने बाद करीब करीब वो मकर संक्रांति के दिन गंगा दशहरा जिस दिन विशेष तौर पर वहाँ पहुँचती हैं जहाँ सागर से माँ गंगा का मिलन होता है उस क्षेत्र में जाकर विशेष तौर पर उस दिन उनका पुण्य लोगों पर गमन हुआ। तो ये बड़ी सुंदर कथा है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इसका अध्ययन आपको करना चाहिए। तो इस दिन विशेष तौर पर अपने ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको समस्त रूप से पूजन करते हुए भगवान शिव पर देखिए ये सुंदर योग बन रहा है। इसके साथ साथ बटुक भैरव जयंती का भी सुंदर योग बन रहा है। बटुक भैरव भगवान साक्षात शिव के अंश हैं। कहा जाता है उनके पिता ने अनन्य श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना करी और कहा कि शिव पुत्र के रूप में उनको प्राप्त हो। और कहा जाता है शिवलिंग से ही साक्षात मनोकामना अष्टक जो शब्द जो है विशेष तौर पर उनका स्तोत्र है उसी प्रार्थना करते हुए भगवान शिव साक्षात जो 8 वर्ष के बालक के रूप में उपस्थित हुए वो बटुक भैरव के रूप में कहा जाते हैं। और अद्भुत है इनकी जयंती समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। जीवन में यदि कोई कष्ट इत्यादि भूत प्रेत इत्यादि असंग नजर लगने वाली समस्या हो जाती है बच्चों को तो ये मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इसका लगातार यदि यज्ञ कर लिया जाए और इस दिन विशेष तौर पर उनकी जब जयंती है रविवार का दिन पड़ रहा है ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। तो उनका विशेष तौर पर खीर के द्वारा मीठे गुलगुले बनाकर उनके द्वारा हवन करने से कहा जाता है समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनते आते हैं। ये शास्त्रोक्त कथा है, इसको अवश्य उनको उनके हमें करने का प्रयास करना चाहिए, ये बहुत सुंदर रहेगा। तो अवश्य इस दिन ये करने का प्रयास कीजिए, आपके राशियों के अनुसार से परिवर्तन का योग बहुत सुंदर बनेगा। तो कन्या राशि वालों आपकी राशि के अनुसार से गंगा दशहरा और भगवान बटुक भैरव की जयंती आपके जो ग्रह इन दिनों अस्त चल रहे हैं उनकी भी शक्ति को देने वाला रहेगा। बुध और शुक्र को जो अस्त चल रहे हैं सूर्य के साथ विराजमान हैं उनको भी शक्ति देना चाहते हैं तो इस गंगा दशहरा पे पुण्यों को करने का प्रयास करें। पुण्य जागेंगे ना तो अपने आप जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे ग्रह। जो गोल ग्रह अनुकूल नहीं चल रहे हैं उनको भी अनुकूलता प्रदान कर सकते हैं क्योंकि पुण्यों का अकाउंट घड़ा भरा हुआ है। जब पुण्य कम हो जाते हैं तभी जीवन में कष्ट दुख आने के योग बनते हैं क्योंकि टटोलना पड़ता है, छाटना पड़ता है। जब अच्छा सा भरा हुआ हो, धन किसी के पास बैंक में बहुत पैसा हो तो छोटा मोटा नुकसान कोई दिक्कत नहीं करता है। तो यही स्थिति समझें, इसी प्रकार से इन देव योगों पर पुण्य को बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। बात कर लेते हैं 17 तारीख की सोमवार का अवसर एकादशी सुंदर योग है और इस बार एकादशी 2 हैं। स्मार्तों के वैष्णवों के अलग अलग हैं। स्मार्त यानी सब जो जनमानस हैं, वैष्णव वो जो वैष्णव मंत्र दीक्षित हैं, गले में कंठी धारण करते हैं, वैष्णव मत का पालन करते हैं और उनके आचार्यों के अनुसार से जिस दिन द्वादशी युक्त एकादशी वो बड़ी सुंदर होती है। ग्रह योग दृष्टि की बात कर रहे हैं तो वो 18 तारीख को पड़ेगी द्वादशी युक्त वैष्णवों की एकादशी, स्मार्तों के लिए एकादशी रहेगी 17 तारीख की। ग्रहगण दृष्टिकोण से देखें तो 17 तारीख को एकादशी के योग के दिन चंद्रमा परिवर्तन करके तुला राशि में चले गए हैं और ये आपके लिए अनुकूल परिस्थिति बना रहे हैं, धन लाभ के योग बना रहे हैं, आगे बढ़ने के योग प्रशस्त कर सकते हैं बड़े जन के आशीर्वाद से सेवा से। इस निर्जला एकादशी पर जल का दान करें, माता पिता की सेवा करें, उनका पुण्य आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर दावे के साथ कह रहे हैं गुरुजन माता पिता का आशीर्वाद लेकर आज की शुभ तिथि में जो कार्य करोगे उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही होके आओगे, बढ़कर आओगे, नेगेटिव होके नहीं आओगे। तो ये बात ध्यान रखना, ये उपाय आपके लिए बहुत विशेष है। इस दिन 18 तारीख को मंगलवार का अवसर है, एकादशी है वैष्णवों के, जैसा हमने कहा, और उस दिन बुढ़वा मंगल का योग भी पड़ रहा है। तो देखिए कितना सुंदर योग बन गया है। और आपकी राशि के अनुसार से हम पुनः अवगत करा दें आपको एक बात, क्योंकि ध्यान नहीं रहता है लोगों को, शनि महाराज इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं और शनि को ठीक करने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कोई उपाय नहीं। तो इस वर्ष का अंतिम बुढ़वा मंगल पड़ रहा है, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और एक घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। तो ये बात ध्यान रख लें, ये छोटा सा ये जो एक मुहूर्त है इस समय में यदि आप कार्य कर लेंगे तो पूरे वर्ष शनि को बहुत कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। नहीं तो शनि आपके रोग बढ़ा रहा है, शनि आपके शत्रुओं को वृद्धि कर रहा है, कॉम्पिटिटर्स को अक्षक्ति देने का प्रयास कर रहा है। तो ध्यान रखें, यदि जुर्माने बचना चाहते हैं तो ये उपाय करके कार्य कर लीजिए, कल्याण का योग बनेगा। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर तरीके से इस समस्त यज्ञ को रखा है, हनुमान जी के लिए निर्मित यज्ञ सुंदरकांड का पाठ, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 5 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 11 बजे तक ये सवामणि के भोग के साथ चलेगा। आपने निमित्त कराने के लिए भी आप व्यवस्था को समझ सकते हैं। 19 तारीख का बुधवार का अवसर और साथ साथ उस दिन द्वादशी तिथि है और प्रदोष का योग है, बुध चंद्रमा परिवर्तित होकर वृश्चिक राशि में जा रहे हैं और ये आपके लिए
शिव की उपासना से सुंदर भाग्य को जगाने के रास्ते बना रहे हैं। प्रदोष का योग, शिव की आराधना, और यदि आप शिव की आराधना सुंदर तरीके से करेंगे तो ये गजकेसरी योग का जो निर्माण है, चंद्रमा थोड़े हल्के हैं, उसको प्रशस्त कर देंगे। शाम के समय शिव का ध्यान, शिव का अभिषेक दही से, दूध से, पंचामृत से, विल्व पत्र अर्पित करके कार्य करने का प्रयास करें। क्या करेगा बुध, क्या करेगा शुक्र, क्या करेगा शनि? जब शिव की कृपा हो जाएगी ना तो सब कल्याण होने का योग बन जाएगा। ध्यान रख लीजिए, ये उपाय बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर दिन उपाय बना है। तो ध्यान रख लीजिए, जो जो ग्रह कष्ट दे रहे थे उनके बारे में हमने आपको बताया भी, और वो ठीक करने का रास्ता भी बनाया। ये संसार में आधुनिकता के नाम पर समझें, हम कष्ट भोगने के लिए नहीं आए, आनंद भोगने के लिए आए हैं। और जहाँ डेफिशिएंसी हो, जब कमी, उसको ठीक करने के लिए ज्योतिष में भी उपाय बताए जाते हैं, तो उसके अनुसार से हमने मुहूर्त के दृष्टिकोण से आपको समस्त चीज़ों को अवगत कराने का प्रयास किया। तो अवश्य उसको ध्यान रखते हुए कार्य करें। 20 तारीख को बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, ग्रह नक्षत्र गजकेसरी योग का निर्माण देख रहे हैं। चंद्रमा तृतीय भाव में, बृहस्पति धर्म भाव में, धर्म स्थान पर ध्यान करके बृहस्पतिवार का अवसर है। देव जो पूजा करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, संत महात्मा, उनकी सेवा करें। और देखिए, मेवा प्राप्त करने का योग आपको इसी ग्रह योग में बन जाएगा। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। ज्योतिष के दो भाग हैं, एक गणनाएं हैं और दूसरा उसका फलित भाग है। भारतीय संस्कृति, भारतीय ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने, जो पौराणिक काल के अंदर और उपनिषद काल के अंदर इस ज्योतिष विज्ञान को पंचांग के साथ जोड़ते हुए, एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ते हुए, गणित को फलित के साथ जोड़ा, और कई अपने अनुभवों से ऐसे उपाय शास्त्र में वर्णित किए जिनको हम आज उत्सव मुहूर्तों के रूप में जानते हैं। ये उत्सव वास्तविक तौर पर मुहूर्त है। और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से जो अपना एक चैनल बनाया आचार्य वाणी, उसमें हम इन्हीं पौराणिक उपयोगों को लेकर, प्रयोगों को लेकर, पौराणिक कथाओं के माध्यम से जो ये मुहूर्त आते हैं, वही वास्तविक तौर पर आपके कष्टों का निवारण का योग बनते हैं। देखिए, समझ लीजिए एक बात, खासतौर पर, विशेष तौर पर, ये जो मुहूर्त हैं, जैसे इस अभी आने वाले इन 10 दिनों में गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती, धूम्रावती जी की जयंती, ग्रहों का परिवर्तन का योग, संक्रांति, एकादशी, ये सब जो पढ़ रही हैं, ये विशेष तौर पर ये वो सुंदर मार्ग हैं, सुंदर वो मुहूर्त हैं जिनमें एक छोटा सा कर्म यदि सही दिशा में कर लिया जाए तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है। आम तौर पर आज जो लोग जो ज्योतिष के अंतर्गत आ गए हैं, अपने आप को रखने का प्रयास करते हैं, वो सारे के सारे टोटके और फालतू जो विशेष तौर पर शास्त्रोक्त नहीं है, उन प्रयोगों को लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और भ्रांति ऐसी उपस्थित कर देते हैं कि वो शास्त्र के साथ सम्मत बात कर रहे हैं। तो ज्योतिष टोटकों का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष के साथ साथ यदि अध्यात्म को और शास्त्र पुराणों को, वैदिक कथाओं को, वैदिक रहस्यों को यदि समझने का प्रयास करें, हमने उसी को जोड़ के आपके समक्ष इन समस्त उपायों को बताने का प्रयास किया। और उन उपायों को आप सही रूप में, सही दिशा में, हमारे मनीषी गणों ने जो व्यवस्था करी, पंचांग के दृष्टिकोण से आप देखें, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हर रोज़ कोई उत्सव है। हमारे यहाँ मरण दिन नहीं मनाया जाता, हमारे यहाँ सब आनंद उत्सव है, जीवंत संस्कृति है भारतीय संस्कृति। और नई दिशा, नया सूर्य, नया कुछ उत्पन्न करने के लिए, नया लाभ देने के लिए उत्पन्न होता है हर रोज़, उदय होता है हर रोज़। तो हम उस रूप में अपनी संस्कृति को समझते हुए कार्य करें तो बड़ा सुंदर रहेगा आपके जीवन। देखिए, जीवन में सुख और दुख एक पहिए के समान है, चलते रहते हैं, आता जाता है, तो वो परिवर्तन की तरफ है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। बस विश्वास जगाना है, सही दिशा पकड़नी है। और अभी जो हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष ये सारी बातें बता रहे हैं, ये सारी की सारी गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि, जन्म राशि कौन सी है, चंद्रमा कहाँ विराजमान है, वो चंद्र राशि मानी जाती है, और उसके हिसाब से किस लग्न में जन्म हुआ है वो आपकी लग्न राशि मानी जाती है। तो उन सबको समझकर ज्योतिष की गणनाओं को आपके जीवन में उतारने का, हमको समझने का और फिर आपको बताने का प्रयास किया जाता है। हम यहाँ राशि के गोचर के प्रभाव के अनुसार से आपको बताते हैं। आपकी लग्न, जन्म लग्न को और राशि को कोरिलेट कर आप दोनों भविष्य वालों को समझ सकते हैं, और देखिएगा फिर दोनों को मिलाकर आप सुंदर तरीके से अपने भविष्य को सुंदर तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न हमारे पास लिख के आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाराज हमारी, आप इतने सारे लोगों को एक ही राशि में कैसे? देखिए, गोचर का प्रभाव है,
संसार में ज्योतिष के दृष्टिकोण से पूरे संसार को 12 ही भागों में तो बांटा गया है, लेकिन जनरल करेक्टर के तौर पर गोचर के प्रभाव को हम समझ सकते हैं। ये एक अलग प्याम विशेष तौर पर व्यवस्था है कि व्यक्ति जन्म अपनी जन्मपत्री में कौन से ग्रह लेकर आया है, किस प्रकार की अवस्थाएँ, कौन सी दशाएँ हैं, कौन से ग्रहों की कितनी शक्ति है, वो सब उसकी जन्मपत्री से निकालने का प्रयास किया जाता है और समझने का प्रयास किया जाता है। और फिर हम प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान भविष्य भूत को समझते हुए, ग्रहों की दिशाओं को समझते हुए, उनके भविष्य में आने वाले कष्टों को दूर करने का योग बहुत सुंदर बना सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। हम आप उन समस्त रहस्यों को लेकर, ज्योतिष की प्राचीन वैदिक परंपरा को लेकर हम आपके समक्ष इस चैनल पर रहते हैं और आशा करते हैं आप इन गणनाओं का लाभ सही रूप से लेने का प्रयास करेंगे। आज हर क्षेत्र में देखिए सुनिए क्या होता है कि बड़े अच्छे अच्छे जो व्यवस्थाएं करते हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं, खराब से खराब लोग। ज्योतिष पैसे कमाने का जरिया नहीं है और हम इन सब के माध्यम से आपके समक्ष ऐसे उपाय बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तो ज्योतिषी आप देखें, जितने भी जो लोग जहाँ भी जाते हैं, या तो अंगूठियों पे अंगूठियाँ, 15-15, 20-20 अंगूठी, मालाएँ, और ये मुझे भी कहा जाता है कई बार विभिन्न चैनलों के माध्यम से। मैं विभिन्न भारत के टॉप मोस्ट चैनल्स पर रहा और रहता हूँ अभी भी, और वहाँ पे कई बार जब आरंभ में गया था तो कहा जाता कि महाराज आपको बैठना है तो आपको मालाएँ पहननी पड़ेंगी, अंगूठियाँ पहननी पड़ेंगी। तो हमारा शुरू से एक मत रहा, और हमारे साथ जिन्होंने भी कार्य कर रहे हैं वो इस बात को समझते होंगे कि हमने कभी इस आडंबर में ज्योतिष को नहीं डालने का प्रयास किया। अपने बाहुबल पर, अपने मनोमस्तिष्क पर विश्वास रखें, उस परमात्मा पर विश्वास रखें, मंत्र पर विश्वास रखें, अपने ज्ञान पर विश्वास रखें, वही आपका कल्याण करेगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नग खराब है, मालाओं का प्रभाव नहीं, सबका प्रभाव है, लेकिन सबसे पहले उन पैसों को खर्च करने से पहले सुनार को पैसे देने से अच्छा यह है कोई गरीब व्यक्ति को दान कर दो। ज्योतिष बहुत सरल विषय है, यहाँ कहीं पैसे की बात नहीं है। तो इस बात को हम समझते हुए आपको कार्य करना चाहिए और अपने जीवन में सही सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्योतिष को सही रूप से समझेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। और हमने इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम जो हमारा संस्थान है पिछले करीब करीब 60 सालों से लगातार कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के द्वारा सुंदर तरह से आश्रम की व्यवस्था की गई, यहाँ भगवती की सुंदर प्रतिष्ठा की गई जो 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का शिव विग्रह चमत्कारिक रूप से, कहते हैं ना पत्थर नहीं चलते, हम कहते हैं पत्थर चलते हैं भाई, आया शिव विग्रह कहाँ भगवती मुल्तान से इतना सुंदर मंदिर विराजमान होगा, पार्टीशन हुआ, विशेष तौर पर कटाई हुई, क्या दुरा विशेष तौर पर बुरा समय था। और ऐसे में माँ भगवती को एक व्यक्ति ट्रंक में बंद करके लाया और हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी के घर पर उनको देखे गया, और आज वो सुंदर विशाल भगवती का शिव विग्रह हमारे विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है। हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, मैं कहूँगा भाग्य में सौभाग्य है कि माँ के सानिध्य में बैठकर हम नित्यपति उनके लिए यज्ञ करते हैं, उनके सानिध्य में बैठकर लोगों के कष्ट दूर करने के सुंदर योग बनते हैं। तो आप भी आ सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती के सुंदर शिव विग्रह का दर्शन करने के लिए, मनोकामना सिद्धि करने के लिए, अपने कष्टों को, सौभाग्य को जगाने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे आज भी यज्ञ होता है और बहुत सारे भारतीय पराविद्याओं पर पिछले करीब करीब 50-60 सालों से लगातार शोध चल रहा है, मुद्रा विज्ञान के द्वारा, विभिन्न यज्ञ मंत्र के द्वारा, विभिन्न प्रकार से कई शोध के कार्य किए गए हैं। हॉस्पिटल बनाया गया है योग विज्ञान का, प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का, जो भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है, पैनल पर है दिल्ली गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और समस्त प्रकार से हज़ारों लोग इस सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। आप भी अध्यात्म से जुड़ें, अध्यात्म का सही रूप समझें, जो विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति में कर्मकांड के सिद्धांतों के अनुसार से बताया जाता है, विभिन्न समय में वो सब प्रकार के अनुष्ठान। अभी बहुत जल्दी गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और विशेष यज्ञ जुलाई के अंदर गुप्त नवरात्रों में रहेगा आश्रम पर, और उन 9 दिनों में सहस चंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा जाएगा। आप उन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा।